इंडिकेटर चलेंगे, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। के लिए सारे जो इम्पोर्टेंट सेफ्टी फीचर है 1,64,000 में एडास के साथ, सीवीटी के साथ, रिलायबल इंजन, सेफ्टी तगड़ी, क्या चीजें हैं यार, शानदार वेरिएंट खरा सुनो है। नमस्कार दोस्तों, इंजन विद दिव्य चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट क्षितिज द्विवेदी। ये है आपके सामने होंडा सिटी 2023 फेसलिफ्ट का वी वेरिएंट, यानी कि सेकंड बेस वेरिएंट है। आज अपन इसी के बारे में आपसे बात करेंगे कि आपको इस वेरिएंट पर क्या क्या चीज़ें ऑफर करी गई हैं। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, लेट्स बिगिन नाउ। सबसे पहले सामने से चलते हैं, तो इसका लुक अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको VX वाला ही पूरा फील आने वाला है। नाउ सेकेंड बेस वेरिएंट है, उसके बावजूद यहाँ पे होंडा सेंसिंग टेक्नोलॉजी के लिए आपको कैमरा बेस एडास दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, रडार नहीं दिया गया है, नॉर्मल वाइपर है, बड़ी विंड स्क्रीन है। इसके अलावा बोनेट में बेहतरीन कैरेक्टर लाइन दी गई है, क्रोम सॉलिड विंग फेस वाला यहाँ पे आपको होंडा का सिग्नेचर ग्रिल मिल जाता है, और ये पूरा हेडलैम्प के ऊपर तक आपको दिया है, छोटा कर दिया गया, पहले बड़ा आया करता था। होंडा का लोगो दिया है और हॉरिजॉन्टल रेडिएटर ग्रिल दी है, ये स्पेस्ड फॉर्म में दिया है। ओके, थोड़ा बहुत चेंज किया है पिछले वाले वी वेरिएंट्स के कंपैरिजन में। नीचे तरफ देखोगे तो आपको यहाँ पे ट्रिपल बैरल हेडलैम्प सेटअप मिलेगा, प्रोजेक्टर हेलोजन के साथ में, बीच में प्रोजेक्टर दिया है, ये रिफ्लेक्टर है और इंडिकेटर है। ओके, तो इसको ये अच्छा खासा थ्रो और स्प्रेड प्रोवाइड कर देता है। नीचे हेलोजन फॉग लैम्प दिया हुआ है और अच्छी खासी आपको लिप दी है, एरोडायनामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन देखें। चाबी की बात करें तो आपको दो स्मार्ट की देखने के लिए मिलती है होंडा के प्रीमियम लोगों के साथ में। ये ऑटोमेटिक है, इस वजह से यहाँ पर आपको स्टार्ट बटन भी देखने के लिए मिल रहा है, और बूट ओपन, लॉक, अनलॉक, ठीक है, और दबा के रखोगे तो ये देखिए स्टार्ट हो जाती गाड़ी, और इसी से बंद भी कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं गाड़ी के साइड में। तो साइड लुक सेम टू सेम आपको VX मॉडल जैसा ही देखने के लिए मिलेगा। लेफ्ट साइड ORVM पे इसमें आपको लेन वॉच कैमरा देखने के लिए नहीं मिलता है। इस वेरिएंट में भी आपको डायमंड का अलॉय व्हील ऑफर करे गए हैं, बेस मॉडल है, सेकंड बेस है, उसके बावजूद भी होंडा के लोगों के साथ में ब्लैक और सिल्वर के कॉम्बिनेशन में। आगे डिस्क ब्रेक्स, पीछे ड्रम ब्रेक्स अलोंग विद ABS विद EBD के साथ में 185/60R15 15 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील है, 16 इंच नहीं है। ठीक है, ORVM की बात करें, बॉडी कलर दिए हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल दोनों मिल जाते हैं। बॉडी कलर डोर हैंडल है, और यहाँ पे भी टच सेंसर बेस्ड कीलेस एंट्री है, आपको हाथ डालना है, गाड़ी जो है अनलॉक हो जाएगी, और इस बटन को दबा दोगे तो गाड़ी जो है लॉक हो जाएगी। ठीक है, बी पिलर में ब्लैक टेप दिया हुआ है, तो ये ओवरऑल ना आपके पूरी साइड प्रोफाइल की बात हो गई। उधर चलते हैं, उधर कोई अंतर तो नहीं है? तो नहीं, इधर कोई अंतर नहीं है, सिर्फ आपको इधर फ्यूल लिड मिल जाता है। पीछे चलते हैं, पीछे आपको शार्क फिन एंटीना इस वेरिएंट में भी दिया है, विंड स्क्रीन में यहाँ पे डिफॉगर दिया है, स्टॉप लैम्प देखने के लिए मिल जाता है, और अपना होंडा का लोगो, IVTEC की बैजिंग, सिटी की बैजिंग, कोई भी वेरिएंट मेंशन नहीं किया है यहाँ पे। जेड शेप 3D रैप अराउंड वाले हीट आपको टेल लैम्प LED वाले मिलते हैं, विथ मार्कर लाइट स्पोर्टीनेस को जो दर्शाता है। इसके अलावा आपके इंडिकेटर, पार्किंग लाइट और रिवर्स लैम्प वगैरह मिल जाते हैं, 1, 2 यहाँ पे 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलता है, और इस वेरिएंट में भी आपको कैमरा दिया हुआ है। और बूट खोल लेते हैं तो 506 लीटर का तगड़ा बूट स्पेस मिलता है विथ लाइट, यहाँ पे कॉस्ट कटिंग नहीं करी गई है, बट हाँ रिम वाला व्हील मिलता है, वो भी 15 इंच का, 175/65R15। तो ये तो हो गई एक्सटीरियर ओवरऑल बात, बड़ा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है अगर एडास के साथ किसी को चाहिए। चलिए आपको एक बार इसका
इंजन पे दिखा देते हैं। ये 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर आईवीटेक नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन देखने के लिए मिल जाता है। 120 पीएस की पावर प्रोड्यूस करता है और 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। बेसिकली एबीएस मॉड्यूल वगैरह और काफ़ी रिलायबल है। BS6 फेज 2 के साथ आता है। अब तो डीजल इंजन आता ही नहीं है। ऊपर बेहतरीन इंसुलेशन देख सकते हो आप। और सबसे अच्छा फीचर ना ये आपको मिलेगा जो प्री कूल वाला है ना, इसको दबाओ इंडिकेटर जलेंगे गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इंडिकेटर भी ब्लिंक होते हैं और दबा के रखोगे गाड़ी बंद हो जाएगी, बट हाँ लॉक रहेगी तभी काम करेगा ये गाड़ी में फीचर। अंदर की तरफ आप देखोगे, एक बार इंटीरियर देख लो, पूरा ब्लैक और बेज का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। सबसे ज़्यादा बेस मॉडल जो है उसमें एडास नहीं आता, वो मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया आपके लिए। पीछे भी एक बार देख लो, डोर ट्रिम ठीक है, इसमें भी सॉफ्ट लाइनिंग है बट नॉन इल्यूमिनेटेड स्विचेज हैं पावर विंडो के। डोर ट्रिम की तरफ आए, क्रोम डोर हैंडल इसमें भी मिल जाते हैं। सारे पावर विंडो के कंट्रोल, ऑटो अप डाउन फीचर ड्राइवर साइड में मिलता है विद पिंच गार्ड, ऑटो डाउन, ऑटो अप विद पिंच गार्ड, चाइल्ड लॉक फॉर विंडो, ऑल डोर लॉक अनलॉक, मिरर एडजस्टेबल्स और फोल्ड मिलता है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ भी है। बाकी बॉटल होल्डर वगैरह सब यहाँ पे मिल जाता है। सीट देखोगे, इसको अपन अंदर रख देते हैं एक बार, काफ़ी कंफर्टेबल है। आगे भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने के लिए मिल जाते हैं और हाइट एडजस्टमेंट इस वेरिएंट में भी दिया गया है, बट आपको बूट लिड यहीं से खोलना पड़ेगा। अंदर जाके आपसे और बात करेंगे। स्पीकर आपको टोटल यहाँ पे 4 देखने के लिए मिल जाते हैं। इस साइड फ्यूल लिड ओपनर, बोनेट ओपनर, ब्रेक पेडल दिया है, एक्सेलरेटर दिया है और अपना डेड पेडल दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम ऑन ऑफ करने का यहाँ पे कंट्रोल, बीम लेवल एडजस्टमेंट, सिल्वर फिनिश के एसी के वेंट इस वेरिएंट में मिलते हैं क्रोम वेंट नॉब के साथ में, ठीक है। 1, 3, 4 ऊपर की तरफ सन वाइजर में, ड्राइवर साइड में वैनिटी मिरर मिलता है, को ड्राइवर साइड में भी वैनिटी मिरर मिलता है, मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ IRVM मिल जाते हैं और कैबिन लैंप हेलोजन वाले दिए गए हैं। इसको ऑन करते हैं तो रेड इल्यूमिनेशन के साथ स्टार्ट स्टॉप बटन दिया है। एक बार आप इसका एनिमेशन देख लो, बूट ओपन की वार्निंग भी है, डोर अजार वार्निंग में इंक्लूडेड है। सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील की तरफ आते हैं, कोई भी लेदर रैपिंग वगैरह नहीं दी गई है। एडजस्टमेंट में टिल्ट टेलीस्कोपिक इस वेरिएंट पे भी मिल जाता है, लेकिन सिल्वर फिनिश दिया है सब जगह पे। और इस तरफ माउंटेड कंट्रोल में एडास के कंट्रोल दिए गए हैं, क्रूज कंट्रोल अडैप्टिव इसमें भी दिया गया है, बाकी ऑडियो फोन ब्लूटूथ कंट्रोल दिया गया है। यहाँ पे होंडा का प्रीमियम लोगो, 2 एयरबैग स्टैंडर्ड के तौर पर तो दिए ही हैं, 1, 2, साथ ही साथ सीट में भी दिए गए हैं, ओके, बट कर्टन नहीं दिए हैं। ये CVT वेरिएंट है, इसमें मैनुअल भी आता है, तो आपको ये देखिए पेडल शिफ्टर दिए हैं, प्लस और अपना माइनस का। इस तरफ आपके ऑटो हेडलैम्प के साथ हेडलैम्प स्टॉक दिया है, रेन सेंसिंग वाइपर देखने के लिए नहीं मिलता। बाकी इंस्ट्रूमेंट पैनल की अगर बात करें, इंस्ट्रूमेंट पैनल आपका सटल सा मिलता है बट थोड़ा सा कलरफुल डिस्प्ले है। इस तरफ स्पीडोमीटर, इस तरफ आपका टैकोमीटर और बीच में छोटी सी मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, बट कलर है। सारे एडजस्टमेंट जो हैं आपके वो यहाँ हैं, ठीक है। एवरेज बताता है, ठीक है, ट्रिप पे ट्रिप भी वगैरह बताता है। साइज जो है वो 4.2 इंच का मिलता है कलर TFT डिस्प्ले में। ये सेफ्टी सपोर्ट और जो आपको बंद करना है ये सब ADAS के, रोड डिपार्चर मिटिगेशन, कोलिजन मिटिगेशन, तो आप बंद भी कर सकते हो
बाकी ये सब सेटिंग वगैरह, इसमें भी आपका टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, डिफ्लेशन वार्निंग बेसिकली मिल जाता है। बाकी डिस्प्ले कौन कौन सी चीजें के साथ चाहिए वो यहाँ पे मिल जाता है। इन्फो वार्निंग जो होती है वो यहाँ पे आ जाती है। तो ये सब है। अब आपको एक छोटा सा डिस्प्ले ये लग रहा है, तो ये भैया है अपना जो भी मोड सिलेक्ट करोगे, जैसे अभी पार्किंग पे है, अब रिवर्स पे है, अब न्यूट्रल पे है, अब ड्राइव पे है और अब स्पोर्ट्स पे है। तो ये है, बाकी इको मोड भी है यहाँ पे, उसकी भी वार्निंग आती है। तो ये कुछ अपना सीवीटी का इंस्ट्रूमेंट पैनल है वी वेरिएंट में। नाउ सेंटर में चलते हैं। ये हजार लैम्प बटन, 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, वायरलेस, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह सब कुछ यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। सेम टू सेम टॉप मॉडल जैसा ही दिया हुआ है। यहाँ पे टेलीमेटिक्स कंट्रोल यूनिट मिल जाता है जो अमेजोन एलेक्सा से, गूगल असिस्टेंट से काम करता है, और स्मार्ट वॉच कनेक्टिविटी भी देखने के लिए मिल जाती है। ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल इसमें भी देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, इस तरफ करोगे रेड हो जाएगा, इस तरफ करोगे ब्लू हो जाएगा, ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है। क्लिक फील डायल के साथ आता है, सारी चीज़ें सेम टू सेम है। मैक्स फीचर, रियर एसी, फ्रंट एसी, रीसर्कुलेशन बटन, एसी ऑन ऑफ, ठीक है, यहाँ से पूरा ऑन ऑफ, यहाँ से पोजीशन, यहाँ से फैन, ठीक है। चलो अब नीचे तरफ देखोगे तो आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाता है। इस पॉकेट में आपको एम्बियंट लाइट भी देखने के लिए मिलती है। USB टाइप ए के दो पोर्ट मिलते हैं, पावर आउटलेट 12 वोल्ट का DC सॉकेट मिल जाता है, और यहाँ पे भी आपको स्पेस मिलता है कुछ रखने के लिए। इको मोड का बटन मिलता है, 7-speed CVT मिलता है, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का लीवर है, लेदर रैप नहीं है बट ठीक है, सिल्वर फिनिश भी दी है। चाबी रखने का ऑप्शन यहाँ पे भी मिलता है, यहाँ पे भी मिलता है, और एक सीक्रेट पॉकेट आपकी यहाँ पे भी है। क्रोम टिप के साथ पार्किंग ब्रेक लीवर मिल जाता है, और अपना आर्मरेस्ट डीप स्टोरेज के साथ मिलता है। तो ये भी अपना आर्मरेस्ट अच्छे मटेरियल के साथ आता है, फैब्रिक के साथ में। ये पूरा हार्ड प्लास्टिक है, ये पियानो ब्लैक है, वुडन पैटर्न नहीं दिया गया है। ग्लव बॉक्स सेम टू सेम जैसा बाकी वेरिएंट में आता है वैसे ही आता है। तो ये तो हो गई फ्रंट की बात, अब अपन चलते हैं सेकेंड रो में। सीट बैक पॉकेट आपको देखने के लिए नहीं मिलती है, ना ड्राइवर साइड ना को ड्राइवर साइड। एसी वेंट मिल जाते हैं सिल्वर गार्निशिंग के साथ में, आगे का लुक देख लो कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिलता है, और बीच में कैबिन लैंप भी मिलता है। एडजस्टेबल ग्रैब हैंडल तीनों साइड मिल जाता है, 12 वोल्ट के DC सॉकेट, दो चार्जिंग के लिए मिलते हैं यहाँ पे। कप होल्डर के साथ आर्मरेस्ट मिल जाता है, और तीन फिक्स्ड हेडरेस्ट देखने के लिए मिलते हैं। आइसोफिक्स एंकरेजेस चाइल्ड सीट को माउंट करने के लिए, सारे जो इम्पोर्टेंट सेफ्टी फीचर है वो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। और बाकी एक बार आपको लाइट दिखा देता हूँ, इसमें DRL आते हैं कि नहीं आते। ये सामने का लुक है, DRL भी इसमें दिए गए हैं, ध्यान से अगर देखोगे। और नीचे फॉग लैंप, तो ये जेड शेप का 3D रैप अराउंड टेल लाइट तो आपको देखने के लिए मिल ही जाती है। ओके, तो ये था पूरा वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। मैं मिलता हूँ फिर और किसी वीडियो में आपसे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। और अगर आपको कोई भी गाड़ी चाहिए और आप भोपाल में रहते हैं, सो यू कैन विजिट स्मार्ट सिटी होंडा जो कि होशंगाबाद रोड पे लोकेटेड है। आपको बेहतरीन पार्किंग स्पेस यहाँ पे मिल जाता है, साथ ही साथ कस्टमर सर्विस
सेल। थैंक यू सो मच।